भारतीय किसान यूनियन जिला टोंक के अध्यक्ष श्री राम चौधरी के नेतृत्व में मंगलवार 10 अगस्त 2021 को सांजापुर बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए सैकड़ों किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राजाराम मील से मुलाकात की और उनके मजबूत हौसलों की सराहना करते हुए हर कदम पर साथ निभाने का वादा किया। संयुक्त मोर्चा किसान के तत्वाधान में यह आंदोलन चल रहा है। इस लड़ाई को जिस तरह के किसानों का साथ हिंदुस्तान के ही नहीं सारे विश्व के में एक अनूठा अपने आप में अजूबा आंदोलन होगा जो लगातार 12 महीने पूरे करने जा रहा है अपने आंदोलन का। साथियों, निश्चित रूप से उन धरती पुत्रों के पक्ष में तालियां जो अपना समय खेती बाड़ी छोड़ के चटे हुए हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ था, फिर हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर धर्म के नाम की अफीम खिलाई जाती है और उस आधार पर सब लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अब हम जाके हमारे किसानियत खेती और खेत और कल्याण हमारा धर्म है, हमारी ये पूजा है खेती और हम निश्चित रूप से जाके। इस अवसर पर टोंक जिले से आए किसानों ने भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कॉमरेड अमरा राम से भी विशेष मुलाकात की और किसान आंदोलन पर जोर शोर से आगे बढ़ने का आह्वान किया। किसान विरोधी तीनों कृषि बिल वापस किए जाने की पुरजोर मांग रखते हुए सभी ने एक स्वर में केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी भी की। टोंक जिले के किसानों का हौसला और उनके मजबूत इरादों ने किसान आंदोलन को एक नई ताकत प्रदान की है। भारतीय किसान यूनियन की टोंक जिले की निवाई, पीपलू, टोंक, उनियारा, देवली, टोडा रायसिंह, मालपुरा समेत सभी तहसील इकाइयों के किसान प्रतिनिधि शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि श्री राम चौधरी टोंक जिले में किसानों के वरिष्ठ नेता हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन बहुत मजबूती से कार्य कर रही है। उसी का परिणाम है कि गांव-गांव ढाणी-ढाणी में बीकेयू से जुड़े रहे हैं।